हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जयफो टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों, रियलमी बड्स क्लासिक की अनबॉक्सिंग पे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि रियलमी बड्स 2 से इनका कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पे मैं आपके लिए ले आया हूँ रियलमी बड्स क्लासिक और रियलमी बड्स 2 का एक फुल कंपैरिजन। इसमें एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, डिज़ाइन से लेकर साउंड क्वालिटी की, और क्या कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा ज़्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड अगर कोई डाउट आपका इस वीडियो को देखने के बाद रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, उसका भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा कमेंट्स में। तो फिलहाल इस वीडियो शुरू करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आती रहती है हमारे चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो से पहले यहाँ पे बात करें अगर डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो Realme Buds Classic है उसकी जो वायर आती है आपके पास वो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की है एज़ कम्पेयर टू Realme Buds 2। यहाँ पे दोस्तों जो ऊपर की वायर्स है, जो इन ईयर लॉब्स के साथ में जो वायर्स अटैच होती है, वो वाली वायर बहुत ही ज़्यादा पतली है और ईजीली यहाँ पे कट होने का डर रहता है। और नीचे की जो वायर है दोस्तों, वो भी कुछ ज़्यादा आपको थिक नहीं मिलती है और ना ही उसके ऊपर थोड़ी क्लॉथिंग वाली प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि Realme Buds 2 में आपको क्लॉथिंग वाली ब्रेडेड वायर मिल जाती है, जो कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी की भी लगती है एंड काफ़ी सही चल जाती है वो। यहाँ पे आपको थोड़ी रबरिश सी लुक मिलती है Realme Buds Classic की जो वायर है इसमें, क्योंकि यहाँ पे रबरिश लुक है, इसकी वजह से इसका कटने का डर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू Realme Buds 2। तो Realme Buds 2 की जो वायर है दोस्तों, वो आपके सामने वो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बनाई हुई है एंड इसके जो तार है वो काफ़ी सही तरीके से इन्होंने बनाई हुई है, ऊपर की जो क्लॉथिंग है और जो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो वायर की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो सबसे अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आपको Realme Buds 2 में मिल जाती है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कोई ईयरफोन्स चाहते हैं तो Realme Buds 2 आपके लिए सही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वायर है वो काफ़ी टाइम तक टिकी रहेगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, बात करें अगर बटन्स वगैरह की इन दोनों ही ईयरफोन्स में, तो यहाँ पे जो Realme Buds 2 है वहाँ पे आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल आप कर सकते हैं उनसे तीनों ही बटन से, लेकिन जो Realme Buds क्लासिक हैं उनमें आपको एक ही बटन मिलता है, सिंगल बटन, जिससे आप सब कुछ अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पर है अपने कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंस बेटर रहता है, आपको तीनों बटन अलग अलग सेपरेट चाहिए या फिर आपको एक सिंगल बटन से काम चल जाता है सारी चीज़ करने के लिए। कंट्रोल्स दोनों में सेम है, आप दोनों से ही वीडियो पे प्लेबैक पॉज कर सकते हैं या फिर कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन आप नहीं कर सकते Realme Buds Classic में, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, वॉल्यूम अप डाउन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डाउन पॉइंट है इसका, इसलिए आपको Realme Buds 2 में आपको ये सब फीचर्स मिल जाते हैं, तो इसमें भी आपको Realme Buds 2 को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तीसरी दोस्तों बात करी जाए अगर ईयर लॉब्स की, तो ईयर लॉब्स जो हैं यहाँ पे Realme Buds Classic के आपको पता ही है प्लास्टिक वाले हैं, और यहाँ पे कोई आपको कुशनिंग वाले वो ईयर टिप्स नहीं मिलते हैं ऊपर की साइड, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा, आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है यूज़ करने में, क्योंकि अगर आपके छोटे कान ज़्यादा है, ईयर्स जो आपके ज़्यादा छोटे हैं, तो आपको ये Realme Buds Classic यूज़ करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। मेरे ईयर्स काफ़ी बड़े हैं तो उसमें परफेक्टली फिट हो रहे हैं, और यार एक बार अंदर जाने के बाद ये अपने आप से बाहर नहीं आते हैं, सीरियसली फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे ईयर्स के हिसाब से, आपके हिसाब से आपको बता दिया मैंने। अगर आपके ईयर्स भी थोड़े से बड़े साइज़ के हैं तो आप ये आराम से ले सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आप जब पहनते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं, एक ही बारी में फिट हो जाते हैं यहाँ पे, और जो इसका साइज़ है वो अंदर की साइड एकदम हो जाता है, जिससे कि आपको बाहर ज़्यादा नहीं दिखते हैं। और जो इसका ईयर की ये जो स्टिक है, ये जो तार से जॉइंट है, ये वाली भी काफ़ी पतली सी है, तो इतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। हाँ, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए पहनते हैं तो शायद आपके कान में थोड़ा बहुत पेन सा हो या फिर थोड़ा बहुत आपको इनकन्वीनियंस फील हो सकती है ये वाले पहनते हैं तो आप ईयरबड्स। अगर आप बात करें Realme Buds 2 की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुशनिंग वाले बड़े साइज़ के ईयर फोन्स, जो कि आप देख सकते हैं ये जो है काफ़ी सही साइज़ के साथ आते हैं, और इसके जो ईयर जो है ये बड्स, ये अंदर की साइड वाले डिज़ाइन से बने हुए हैं, मतलब अंदर की साइड अच्छे से फिट हो जाएंगे आपके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है मैंने, जितना मैंने इन दोनों को यूज़ करा है, कि जो Realme Buds Classic है वो एक बार मेरे कान में फिट होने के बाद वो बाहर अपने आप से नहीं आते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप बेड पे लेट कर ही फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर आप रनिंग करते हुए यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें Realme Buds Classic में, ये अपने आप से बाहर नहीं आएंगे जब तक आप इनको निकालेंगे नहीं। साथ ही साथ बात करें अगर Realme Buds 2 की, तो ये वाले जो हैं ये दोस्तों, इसमें जो ये ईयर टिप्स बने हुए हैं, ये जो रबर वाले ये बने हुए हैं,
इसकी वजह से ये कई बार बाहर गिर जाता है। कई बार मैं जैसे लेट के फ़ोन यूज़ करता हूँ तो एक साइड वाला बाहर आ जाता है, या फिर रनिंग करते हुए भी ये कई बार बाहर आ जाता है। तो इस वजह से फिटिंग वगैरह जो है दोस्तों, उसके मामले में मैं प्लस पॉइंट देना चाहूँगा रियलमी बड्स क्लासिक को, क्योंकि ये वाले जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक के लिए। और पेन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको पेन नहीं होगा, अगर आपके ज़्यादा बड़े कान हैं मेरी तरह तो आपको कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा पेन वगैरह। साथ ही साथ बात करी जाए Realme Buds 2 की, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक कंट्रोल है, ये देख सकते हैं आप, ये जो मैग्नेट वाले हैं तो ये चिपक जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिंपल वाले मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, आप जैसे कई बार रख देते हैं इनको ऐसे साइड में, तो इनको आप अटैच करके रख सकते हैं जिससे कि इधर उधर ना हो और ज़्यादा टेंगल वायर ना हो। और यहाँ पे दोस्तों वायर टेंगल की बात करें तो दोनों में ही आपको ये केबल ऑर्गेनाइज़र मिलता है, यहाँ पे Realme Buds क्लासिक में आपको लगाया हुआ है मिलता है, और Realme Buds 2 के साथ आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है वो, तो आपको दोनों में ही मिल जाता है, तो टेंगल की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो Realme Buds 2 में आपको टेंगल वायर की प्रॉब्लम तो कुछ ही केसेस में मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा वायर, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर दी गई है इस Realme Buds 2 में। साथ ही साथ Realme Buds क्लासिक की बात करें तो यहाँ पे आपकी कई बार वायर टेंगल हो जाती है अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं जो केबल ऑर्गेनाइजर है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वायर वगैरह की क्वालिटी मैंने आपको बता दी है Realme Buds 2 की अच्छी है। यहाँ पे आपको जो बटन्स वगैरह है वो बता दिए हैं, Realme Buds 2 में ज़्यादा बटन्स है और यहाँ पे सिंगल बटन है, जिसकी वजह से आप सिर्फ प्ले पॉज एंड कॉल फॉर मतलब कॉल मिलाना या काटना कर सकते हैं, यहाँ पे आपको साउंड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो ईयर टिप्स हैं वहाँ पे मैं पॉइंट देना चाहूँगा, Realme Buds 2 और Realme Buds क्लासिक को दोनों को बराबर ही पॉइंट देना चाहूँगा, मतलब कोई पॉइंट ना दो या दो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोनों ही अलग अलग प्रेफरेंस के साथ आते हैं। ये वाला जो है किसी के कान में ये वाला अच्छे से फिट होगा, किसी के कान में ये वाला अच्छे से फिट होगा, तो वो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। हाँ निकल जाते हैं तो वो वाले Realme Buds 2 जो है ये अपने आप बाहर आ जाते हैं कई बार, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात कर ले दोस्तों मेन चीज़ की, यहाँ पे साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो साउंड क्वालिटी एंड नॉइस कैंसिलेशन की बात करें, अगर सबसे तगड़ी चीज़ मुझे ये लगी Realme Buds क्लासिक की, आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मिल जाती है। मैंने अभी यूज़ करा था इसे और दोनों को यूज़ करके देखा, म्यूज़िक सुना गेम्स के लिए, और मतलब यार Realme Buds क्लासिक का जो 14.2 mm का ड्राइवर है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बेस के साथ आता है, और जो साउंड क्वालिटी है वो एकदम नेचुरल सी लगती है और एकदम अपर लेवल की साउंड क्वालिटी लगती है, जिससे कि आपको मतलब अलग ही एक्सपीरियंस आता है, ऐसा लगता है म्यूज़िक आपके चारों तरफ घूम रहा है, तो वो वाला सीन हो जाता है इसके साथ। तो मेरे को काफ़ी पसंद आई इसी साउंड क्वालिटी। बात करें Realme Buds 2 की साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सही मिल जाती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहूँगा लेकिन हाँ डिफरेंस है, आपको Realme Buds क्लासिक में बेटर साउंड क्वालिटी एंड बेटर बेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम बेस देखने को मिलता है, मैंने यूज़ करा है थोड़ा, क्या इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही आपको बेस कम मिलेगा, इसमें बेस इसमें भी है लेकिन बहुत कम है इसके कंपेरिजन में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सही साउंड क्वालिटी मिल जाती है दोनों में ही, बट इसके मामले में मैं पॉइंट इसको देना चाहूँगा बेस और साउंड के बारे में मामले में। तो अगर आप अच्छे ईयरफोन्स ढूंढ रहे हैं बेस साउंड क्वालिटी के लिए और जो कि आपके 400-500 रुपए के आसपास आ जाए, तो ये वाले मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ Realme Buds क्लासिक, लेकिन वो तभी रेकमेंड करूँगा अगर आप मतलब आप तभी चूज़ कीजिएगा इन्हें अगर आपको लगता है कि आपके कान बड़े या फिर एक्चुअली हैं तो ये अच्छे से फिट हो जाएंगे, क्योंकि अगर फिट ही नहीं हुए कान में तो क्या फ़ायदा यार इन ईयरफोन्स का। बस यही इसका डाउन पॉइंट है, बाकी मेरे को अच्छा लगा। और वायर आप जितनी चला सके चला लीजिए यार, मुझे कुछ मतलब मेरी तो आज तक किसी ईयरफोन्स की वायर कटी नहीं है और ऐसे ही यूज़ करता रहता हूँ मैं, इसको भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ जब से लॉन्च हुए हैं, एंड इसको भी अब रेगुलर इसी को यूज़ कर रहा हूँ जब से मैंने इसको ओपन किया है। तो आपके लिए दोस्तों अगर आपको एक बेटर ईयरफोन्स चाहिए 400-500 रुपये रेंज में, बेस ज़्यादा हो, और नॉइस कैंसिलेशन की बात कर लेते हैं, नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे Realme Buds 2 में आपको अच्छी मिल जाती है नॉइस कैंसिलेशन, यहाँ पे Realme Buds क्लासिक में आपको नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलती है, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन का बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आपकी बाहर की आवाज़ आपको पूरी पूरी सुनाई देगी, और यहाँ पे ऐसा ये काफ़ी हद तक रोक लेता है बाहर की आवाज़ को और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन साउंड वगैरह इसकी अच्छी है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखिएगा, अगर आपका बजट है 400 रुपये के आसपास तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे ईयरफोन्स रहेंगे, अगर आपका बजट है 500-600 के अराउंड, ये 600 रुपये आते हैं आई थिंक, तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं Realme Buds 2 के लिए।
बट यहाँ पे जो डिफरेंसेस है मैंने आपको बता दिया उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ये था दोस्तों इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कंपैरिजन भी अच्छा लग गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ये इंटरेस्टिंग लगी वीडियो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आती रहे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी न्यू वीडियोज़ आपके लिए जल्दी जल्दी आती रहेगी। कमेंट करके बताना आपको कौन से ईयरफोन अच्छे लगे और कौन सा ईयरफोन अब आप लेने वाले हैं इन दोनों में से। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्दी।